भाई वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। हाँ यार, भगवान का ना बहुत बड़ा आशीष है मेरे साथ। अरे भाई मैं आशीष की बात नहीं कर रहा, मैं चांदनी भाभी की बात कर रहा हूँ। यार मैं भी चांदनी की तो बात कर रहा हूँ पप्पू। अभी तो तुमने कहा तुम आशीष की बात कर रहे हो। अबे यार आशीष मतलब भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे, चांदनी जैसी बीवी मिली मुझे। हाँ भाई ये तो है, वैसे भाभी कितनी अच्छी है ना, आप जैसे आदमी को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, और ऊपर से रोज ऑफिस भी जाती है, इतना काम करती है, और तुम ग्रेट है भाभी। यार जब ये चांदनी ऑफिस जाती है ना यार, बहुत मिस करता हूँ उसको मैं। घर में भी ना चांदनी जैसी कोई होनी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ आपको। गलत बात है भाई। नहीं 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 मैं चांदनी को मना लूंगा उसके लिए। अरे भाई मेरे साथ गलत है, तेरे साथ थोड़ी शादी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कब कहा तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो? मैं तो गलत क्यों बोल रहा है यार तू? भाई तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो, मेरी नहीं करा रहे। अरे यार तू दूसरी शादी कैसे करेगा, तूने तो पहली भी नहीं की पप्पू। पापा देख रहे हो पापा, आपने तो मरते हुए मेरे कान में कहा था कि मेरा भाई मेरी शादी करा देगा। ये भी कह दिया था, उस वक्त मैं कहा था। तुम स्कूल गए होते भाई। पापा अगर आप जिंदा होते तो अब तक मेरी शादी करा चुके होते। अच्छे मत रो,